Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about SSC JEE 2023. जब भी हमारे माइंड में कोई भी कंपटीशन की बात आती है तो माइंड का काम है हमेशा दो थॉट्स को पैरेलली थ्रो करता है. तो एक तरफ एक थॉट आता है कि जब हम ये एग्जाम के प्रिपेयर करेंगे, एग्जाम निकल जाएगा तो एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट हमें बहुत सारे अलाउंसेस देगी, हम एक सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं कि हम एक सोसाइटी में हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा, हम कुछ भी इंडिया को सर्व कर सकेंगे. वहीं पे दूसरी तरफ एक थॉट रहता है कि इतना बड़ा कंपटीशन है, शायद हमसे ना हो पाए. तो कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है उनको निकालने के कुछ गोल्डन रूल होते हैं. ये कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. जैसे कि अभी आप देख सकते हैं झारखंड जेई भी आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया, वो भी अगस्त में होने वाला है. डीडीए जेई का भी नोटिफिकेशन आ गया, एसएससी जेई का डेट स्केड्यूल हो ही गई है 9, 10, 11 अक्टूबर को. और यूपीपीसीएस ए की भी आस लगाए बैठे हैं लोग, मतलब वो भी शायद आने ही वाला है. तो बहुत सारे एग्जाम अभी बिल्कुल लाइन में है. तो ये जो गोल्डन रूल है ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है. बेसिकली गोल्डन रूल कहता गया है, तो सबसे पहले आपको एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम. तो ये हमारा मतलब ये है कि ये एग्जाम पूछना क्या चाह रहा है, जो एग्जाम है भाई वो क्या चाहता है. तो आप देखो, जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे गेट का एग्जाम है, वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी और आपका टेक्निकल एग्जाम को चेक करता है. वहीं पे अगर हम आईईएस या ईएससी की बात करें तो वो आपके थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल को चेक करता है. बट वहीं पे जैसे हम एसएससी जेई बात करते हैं, तो एसएससी जेई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल नॉलेज, वो आपकी जीए, आपकी रीजनिंग को भी चेक करता है, आपकी जीके को चेक करता है, रीजनिंग को चेक करता है, और आप जिस कोर डिपार्टमेंट के उसके टेक्निकल नॉलेज को भी चेक करता है. तो जब हम इस एग्जाम की बात करते हैं, स्पेसिफिकली हम एसएससी जेई एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जीके को चेक करता है, रीजनिंग को चेक करता है, टेक्निकल एग्जाम को चेक करता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ टेक्निकल एग्जाम में इंटेलिजेंट हूँ, तो मतलब टेक्निकल मेरा बहुत अच्छा है तो मैं दूसरों पे फॉलो दूसरों को टाइम नहीं दूंगा. नहीं, इस एग्जाम का डिमांड आपको सबसे पहले, कोई भी अगर हमें फील्ड में उतरना है तो सबसे पहले हमें उसे एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से हमें प्लान बनाना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता है. यही आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. तो ये हर जगह एप्लीकेबल है. पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जाम कि व्हाट दे आर आस्किंग बेसिकली. नाउ देन यू हैव टू मेक अ प्लान कि अच्छा ये पूछ रहा है, फिर प्रीवियस ईयर डाटा को हम एनालाइज करेंगे, फिर उससे हम पता लगाएंगे अच्छा ये एग्जाम की ये डिमांड है, ये पैटर्न जो है वो हर बार मोस्टली रिपीट होता है, उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, उस हिसाब से हम प्लान बनाएंगे. तो अब आप देखो कि वो जीके पूछता है. अब लोग सोचते हैं कि जीके क्यों पूछ रहा है, तो भाई यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गवर्नमेंट. आप एक गवर्नमेंट के ऑफिसर और रिप्रेजेंटेटिव है, आप इंडिया को शो कर रहे हैं, तो आपको इंडिया की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी पता होना चाहिए. ये तो हमें पता है हमें क्या पढ़ना है, पर ये भी तो पता होना चाहिए हमें क्यों. अगर हमें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए. रीजनिंग एबिलिटी इसलिए चेक करते हैं कि आपका माइंड जो पर्टिकुलर कंडीशन आ रही है उसमें वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है कि नहीं, क्विक कितना आप डिसीजन ले सकते हो. टेक्निकल तो भाई आप जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बनने वाले हैं, तो आपके पास उस कोर फील्ड की नॉलेज है कि नहीं. तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड टेक्निकल, तो ये तीनों एग्जाम में हमारे पूछे जाता है. जीके का 50% है और 50 मार्क्स का पूछा जाता है, वहीं पे रीजनिंग भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है, और टेक्निकल एग्जाम ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, वो है 100 मार्क्स का. तो अब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो मेनली अगर आप देखो तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कुछ बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे पहले भी दे चुके हैं, और कुछ बच्चे क्या है जिनका मोस्टली फुल सिलेबस हो गया होगा, तो अलग अलग कंडीशन में आप अपने आप को जिस कंडीशन में सुटेबल करता है आप उस हिसाब से अपना प्लान बनाना. तो सबसे पहला पॉइंट है कि फुल सिलेबस होना चाहिए. फुल सिलेबस नहीं करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे सॉइल हो गया या फिर एनवायरमेंट हो गया, बीएमसी हो गया, तो सोचते हैं कुछ सब्जेक्ट कर लो और उससे हो जाएगा. नहीं, वो है प्रायोरिटी लिस्ट में. आप फुल सिलेबस करने के लिए पहले उन्हें कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस नहीं करोगे. नहीं, फुल सिलेबस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब कंपटीशन बहुत लार्ज स्केल पे हो गया है. तो फुल सिलेबस आप अगर कवर नहीं करोगे, आपका कंपास 2πr अगर नहीं बनाएगा, तो आपके आपका मतलब पूरा सर्कल नहीं कवर होगा, तो उतनी अच्छी एफिशिएंसी आपकी एग्जाम में नहीं आएगी. तो उसके बाद जब आपका एक सिलेबस का एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उसको रिविजन, पैरेलल रिविजन लेके चलना है. तो
जब आप उसका एक सब्जेक्ट हो जाएगा तो आपको एक पैरेलल रिवीजन देके चलना है, वहीं पे नया सब्जेक्ट आपको फुल सिलेबस में कंप्लीट करते चलना है। रिवीजन इज द की, ऐसे ही नहीं भूलते। माइंड अभी आप कुछ पढ़ोगे और अगले दिन उसमें से 50% मोस्टली भूल जाते हैं। तो रिवीजन इज द की, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जब फुल सिलेबस और रिवीजन हो जाएगा, आप एक और चीज कर सकते, प्रीवियस ईयर संग में लगा सकते, जिस टॉपिक को आपने कंप्लीट किया उसको अगले दिन रिवाइज करो और उसके PYQ लगाते चलो। PYQ लगाने हैं जब आप स्पेसिफिक एग्जाम, जैसे SSC JEE है, जब आप उसके स्पेसिफिक एग्जाम के PYQ लगा लोगे, आपके पास अगर पर्टिकुलर टाइम आपका फुल सिलेबस हो गया, रिवाइज हो गया, PYQ हो गए, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके बाद और भी जितने JEE एग्जाम है उनके PYQ लगा सकते हो। नाउ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर हमें इतनी बड़ी भीड़ है भाई, बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन की लॉबी है, उसमें मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो मुझे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हमें अपने प्लान में हमेशा इंप्रूवमेंट लाना जरूरी है। जब आप देखोगे कि आपने एक प्लान बनाया, हमेशा कभी भी परफेक्ट प्लान जैसा कुछ नहीं होता, तो आप देखोगे कि मैंने कल इतना प्लान बनाया था, इससे मेरी इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं आई, तो आपको उस प्लान में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा तो शायद मेरा इस तरीके से ज्यादा अच्छा आएगा। तो एवरी टाइम यू नीड टू इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान क्यों होना है, क्योंकि जैसे एग्जाम की जो कट ऑफ है, एग्जाम का जो कट ऑफ है वो एक तरीके का फिल्टर पेपर है। अब हम सब एक कोर्स है, तो मुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि हम एक फाइन पार्टिकल बन सके और इस कट ऑफ पेपर, जो फिल्टर पेपर है, इसको पास कर सके। यही हमारा एक मेन गोल है। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है कि हम इसको पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीप एनालाइज करेंगे, फिर हम कट ऑफ के एनालिसिस करेंगे। और कट ऑफ के लिए नहीं पढ़ना है, क्योंकि कट ऑफ हर साल वेराय करती है, बट या हमेशा 330+ के लिए, 330+ मार्क्स के लिए कम से कम हमें करना चाहिए। अब अगर आप देखोगे 330+ के लिए, तो देखो बहुत ईजी है। 330+ के लिए अगर सोचा जाए तो बेसिकली क्या है कि आप देखो हर बार क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, 117, 217, फिर 120, 110, ये जनरल की कट ऑफ है, आप इसमें वेराई कर सकते हो। तो जनरल की कट ऑफ है, इस साल हमारी 110 गई थी, लेकिन जो कट ऑफ है उसके हमेशा हमेशा 20 मार्क्स, 130 मार्क्स के लिए अगर आप पढ़ोगे, तब ये बहुत ईजी है। जैसे GK में आप कितना भी पढ़ लो, ये इतना वास्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, और जो भी हमारा करंट वर्ल्ड हिस्ट्री जो भी चल रहा है सब पूछते हैं, तो इतना वास्ट है कि इसमें हम कितना भी पढ़ ले हमें पता नहीं है कि किसका है। जैसे जनरल साइंस तो कुछ पॉइंट लेकिन पता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, या फिर पॉलिटी में आर्टिकल से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आप एक पर्टिकुलर एरिया को हम कर सकते हैं वहीं पे। फिर दूसरा है, वी आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो हमारी रीजनिंग अच्छी होती है, तो हम रीजनिंग में 40+ कर सकते हैं, GK में हम 25+ के लिए कर सकते हैं, और वहीं पे टेक्निकल, टेक्निकल में हम 70+ के लिए हमेशा करो, क्योंकि टेक्निकल तो आपका साउंड होगा, तो टेक्निकल में 70+ के लिए हमेशा अचीव करो। तो मतलब 130+ के लिए हमें हमेशा टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि कट ऑफ से ऊपर रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगी, फिर पेपर 2 के लिए शुरू करोगे। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान्स बनाने हैं कि आप उस कोर्स से पहले फाइन पार्टिकल बन सके, फिर उस कट ऑफ को पास करके पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर सके। अब जब हम बात करते हैं ऐसे JEE पेपर की, तो वो पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें 1 मार्क्स ईच मिलते हैं, और जो पेपर 2 है वो मेंस है, उसमें सब्जेक्टिव होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात करते हैं, तो उसमें 1 मार्क्स तो पॉजिटिव मार्क्स है, मतलब 1 मार्क्स मिलते हैं, वहीं पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और ईच क्वेश्चन पे हमें 1 मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले करना है हमें पूरा फुल सिलेबस करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, फिर PYQ लगाने एटलीस्ट 5 ईयर के, और जब 5 ईयर के हो जाए तो 10 ईयर्स के भी लगाने। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है हमारा नेक्स्ट, ये है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारे माइंड को, अगर आप जब सब पढ़ लिया और मॉक टेस्ट नहीं दिया, तो माइंड को नहीं पता उस दिन वो पहली बार वो क्रिकेट मैच खेलेगा, जैसे हर कोई क्रिकेट खेलने से पहले प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करता है, उसी तरीके से आपको मॉक टेस्ट करना है, आपके माइंड को प्रिपेयर करना है कि इस तरीके से आएगा। हर कोई भी आप किसी भी टेस्ट सीरीज करा सकते हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। आपको सोचना है कि इस तरीके से एग्जाम पैटर्न आएगा, आपके माइंड को उस हिसाब से ट्रेन करना है। ट्रेनिंग इतनी हार्ड करनी है कि जिस दिन हम एग्जाम देने जाएंगे वो हमें बहुत ईजी लगे। जब आप ये सब कर लेंगे, तो आप ऐसे एक पर्टिकुलर कैंडिडेट हो जाओगे
जिसका कोई ना कोई एक जेई का एग्जाम पक्का निकलेगा। जब आप वो सारे काम कर लोगे, डेली का एक प्लान बनाओगे, उसे एग्जीक्यूट करोगे, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी करना है, अपने आप को रिवॉर्ड भी करना है। और अगर आपने जो सोचा है, जो भी आपने प्लान किया, और अगर आपने उसे नहीं किया उस दिन, तो आपको अपने आप पनिश भी करना है। तो आप अपने सबसे अच्छे सेल्फ मेंटर जो होते हैं, हम वो खुद होते हैं, हमें सबसे अच्छा हमारे अलावा कोई जज नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि आज जितना मैंने प्लान किया था उसको मैंने किया, आप अपने आप को रिवॉर्ड करोगे और उसमें इंप्रूवमेंट करोगे कि ठीक है अब मैं इससे ज्यादा करूंगा। और अगर आपने जो सोचा और उससे कम किया, तो अपने आप को पनिश करोगे। डेली उठ के आपको एक प्लान बनाना है। टुडे इज डिफिकल्ट, टुमोरो इज मच मोर डिफिकल्ट, बट द डे आफ्टर टुमोरो इज ब्यूटिफुल। क्या होता है कि आज हम कर रहे हैं ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, इतना ईजी नहीं है, एक तरीके का चक्रव्यूह है, सबको अर्जुन बनना है। हम अभी लेकिन क्या है, अभी हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो लेकिन आज डिफिकल्ट है, कल और ज्यादा डिफिकल्ट। पर क्या होता है, जब वो और डिफिकल्ट होता है, उसी में जितने जो कोर्स पार्टिकल की बात की थी ना, वो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए हमें उस डे के लिए, पर उसके बाद की जो जर्नी है ना, वो ब्यूटीफुल होगी। क्योंकि हम जब इतना कुछ कर लेंगे, हम एमसीक्यूज लगा लेंगे, मॉक टेस्ट दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे, और जेई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दे देंगे, सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे और रिवाइज करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो ब्यूटीफुल होगा। बट लोग उससे पहले ही, जब वो इतना डिफिकल्ट टाइम होता है ना, हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, तो हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, उससे पहले आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो सोचेंगे कि अब नेक्स्ट वाले टर्म में देंगे, तभी आपकी विक्ट्री होनी है। तो लगे रहो, कंसिस्टेंसी इज द गेम, रिविजन इज द की। अपना दिन को कैसे प्लान करना है, मॉर्निंग का 1 आवर, जो मॉर्निंग का 1 आवर होता है, वो 5 AM क्लब जो एक बुक है, मैंने उसका एक मॉर्निंग का 1 आवर का सेशन बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से बताया कि आप मॉर्निंग का 1 आवर अगर इस तरीके से करेंगे, तो आपका फुल डे कितना अच्छा होता हो सकता है। आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, यू कैन चेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।